जबलपुर में एक बुजुर्ग ऑटो चालक की पिटाई का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लाडगंज थाना अंतर्गत रानीताल चौक में घटित हुई घटना के दौरान बनाया गया है। बताया जा रहा है कि शिव कुमार मिश्र नामक ऑटो जब रास्ते से गुजर रहा था, तब अचानक उनकी ऑटो एक कार से टकरा गई। इसके बाद आनन फानन में कुछ लोग आए और बातें भी करने लगे। इस दौरान कार चालक और ऑटो चालक के बीच विवाद होने लगा और उसके बाद कार चालक द्वारा बड़ी बेरहमी से ऑटो चालक की पिटाई कर दी गई। जगह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने गरीब ऑटो चालक का पक्ष लेते हुए थाने पहुंचकर वीडियो में पिटाई करते हुए दिख रहे आरोपी लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो में जिस तरीके से एक गरीब व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है, ये सरासर कानून का उल्लंघन है और जबलपुर पुलिस को सख्त कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, एक बेहद ही दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जहां एक बुजुर्ग ऑटो चालक, उसको तीन चार गुंडे उसको मार रहे हैं और इस बात के लिए मार रहे हैं कि ऑटो और कार में भिड़ंत हुई। ये तय भी नहीं हुआ कि गलती ऑटो चालक की थी कि कार चालक की थी। हमारे शिव कुमार मिश्रा जी, जो कि कई दशकों से ऑटो चालन का काम करते हैं, दिन भर मेहनत करके अपने घर को पालते हैं, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक संपरांत परिवार के द्वारा, एक संपरांत लोगों के द्वारा जिस तरीके से इनके साथ मारपीट की गई, ये कहीं ना कहीं समाज में एक वैमनस्यता फैलाने का काम करती है। मोटर व्हीकल एक्ट साफ तौर पे कहता है, जब कभी वाहन की भिड़ंत हो या कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट हो तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, फिर मामला न्यायालय में जाता है। जो भी कार्रवाई उसमें माननीय न्यायालय तय करता है, उस स्तर पे मामला आगे बढ़ता है। लेकिन जिस तरीके से ऑटो और कार की भिड़ंत होती है, इनको बुजुर्ग को मारा जाता है, जब वे वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचा के भागते हैं तो आगे जाके फिर उनको पकड़ के मारा जाता है, तो साफ तौर पे दिखा ये समझ में आता है कि जो लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं वे एक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। यहाँ पर TI महोदय के संज्ञान में हम लोगों ने ये बात डाली है और बड़ी संवेदनशीलता से वो उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि वे लोग कौन थे। आपके माध्यम से जबलपुर शहर के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो ये चेहरे दिख रहे हैं, जो इन बुजुर्ग पर हमला कर रहे हैं, जो इनको मार रहे हैं, अगर ये आपके मोहल्ले आस पड़ोस में कहीं रहते हैं तो आप लाडगंज थाने में इसकी सूचना दें। ये मानवता का विषय है, ये विषय आपके जबलपुर की सभ्यता और संस्कृति का है कि जहाँ पर इस तरीके की घटनाएँ होती हैं वहाँ पर एक मजबूत आदमी एक कमजोर आदमी को मार रहा है, और अगर हम उसकी जानकारी अगर हमारे तक है तो हम उसको पहुंचाएं, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। भैया जी, रानीताल चौक पे मैं ऑटो लेके जा रहा था मदन महल की ओर, तो वहाँ पे हल्का सा मेरे को चक्कर सा आया, उस बीच में एक कार वाला आके अब मेरे से भिड़ी है, उसने भिड़ा। भैया देखिए, चक्कर आने पे मुझे तो जानकारी नहीं मिल पाई और उतर के मेरे को मारना चालू कर दिए। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि भैया मेरी गलती क्या है, अगर जो गलती है तो मुझे माफ़ कर दो। तो भाई, अगर हम कहते हैं कि अगर उनकी गाड़ी में मेरा ऑटो लगा या जो नुकसान हुआ, तो भाई आप प्रेम पूर्वक पहले हमसे ये कह भी तो सकते रहे कि भैया आप जो नुकसान हुआ हमारा भरपाई करो या बनवा दो, कि मारने से क्या भरपाई भैया जी हो जाएगी क्या। उसके बाद वहाँ से लोगों ने हमको बचाया, बोले तुम यहाँ से जाओ। फिर गए तो 2 नंबर हनुमान मंदिर के पास, फिर वहाँ हमको छेक लिए, फिर वहाँ मारना पीटना घसीटना चालू कर दिए, बोले चल थाने चल थाने चल थाने चल। अब भैया जी, मैं ब्रेन की दवाई खाता हूँ, मेरे खुद भी ये नहीं समझ में आया कि कारण है क्या। फिर मैं भगा मदन महल थाने, मैं सोचा मदन महल का केस होगा, तो वहाँ गए तो बोले नहीं, मदन महल का नहीं है, लालगंज का केस है। तो उनने वहाँ से फ़ोन किया तो पुलिस वाले आए रानीताल, जब तक हम आए जब तक जांच करके लौट चुके थे। फिर हम थाने गए आज सुबह, तो बोले बेटा तू ऐसा करके लालगंज थाने चले जा,
तो मैंने कहा भैया मैं गाड़ी नंबर तो देखा नहीं हूँ। बोले ठीक है गाड़ी नंबर नहीं देखा है तो वहाँ से कोई ना कोई को भेजेंगे ओमती थाने, वहाँ से कैमरे से जांच करा लेंगे और जांच कराने के बाद जैसा भी होगा तो वो कार्रवाई करेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिव कुमार मिश्रा। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ मदन महल से ऑटो चलाता हूँ सुबह घर से। मैं गढ़ा शिवनगर में रहता हूँ। ठीक है।